प्रश्न है, फिजिकल रिलेशन बिना फिजिकल रिलेशनशिप बिना बच्चा नहीं होता। मेडिकल से हिसाब से तो यीशु का जन्म कैसा हुआ? बहुत बढ़िया सवाल है। बच्चा होने के लिए शादी करना पड़ता है। यीशु मसीह का जन्म कैसा हो गया? हमको जो है, जो लोग ने सवाल पूछा, आई थिंक थोड़ा बहुत साइंस आपको पता होगा। दो नियम होते हैं, एक नेचुरल लॉ होता है, कुदरती कानून, और एक होता है सुपर नेचुरल लॉ। सुपर नेचुरल को क्या कहते हैं? अलौकिक नियम। एक दुनिया का नियम होता है, कुदरती नियम, एक अलौकिक नियम होता है। मिरेकल का मतलब हमको समझना है। सबसे पहले नास्तिक लोग ये सवाल को उठाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम मिरेकल को मानते नहीं है। नास्तिक लोग क्या कहते हैं? हम मिरेकल को मानते नहीं है, हम चमत्कार को नहीं मानते। चमत्कार तो पागलों वाली बात है। अगर उनको चमत्कार है करके साबित करना है तो उनको पहले मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि खुदा है। अब खुदा है, उसको साबित करने के बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं साइंस का एक छोटा सा भाग भी ले लूं, साइंस का एक छोटा सा भाग कहता है जो जो चीजें अस्तित्व में आती हैं, ध्यान से सुनो, जो जो चीजें अस्तित्व में आती हैं उनकी शुरुआत थी। पहला पॉइंट, जो जो चीजें अस्तित्व में आती हैं उनकी शुरुआत थी। दूसरा पॉइंट, दुनिया अस्तित्व में आई। तीसरा पॉइंट, मतलब दुनिया की शुरुआत थी। यदि दुनिया की शुरुआत थी तो दो ऑप्शन है, या तो वो अपने आप आ गया या तो फिर किसी ने उसको बनाया। अब ये लैपटॉप अपने आप आ गया क्या? ये ऐसे आ गया, मतलब कई सालों तक प्लास्टिक यहां वहां कोने में पड़ा था और एक साथ जुड़कर वो लैपटॉप बन गया। आपका जो घर, जिस घर में रहते हो, वो कई सालों से खंड पड़ा था, 10-15-20 साल, 150 साल, 400 साल के बाद वो घर बन गया। ऐसा होता क्या? नहीं ना। घड़ी, कैमरा, ये सब किसी ने बनाया है। तो कुछ डिजाइन को बनाने के लिए उसका डिजाइनर होना चाहिए। टेलर है, कपड़ा है, आप पहने तो टेलर तो है। तो हर चीजें तो दुनिया में अस्तित्व में है, उसको किसी ना किसी ने बनाया है। मतलब ये दुनिया जो अस्तित्व में है, जिसकी शुरुआत एक समय में हुई थी, साइंस भी इस बात को कहती है बिग बैंग थियरी। एक बड़ा सा प्रकाश हुआ, वचन कहता है, यीशु खुदा ने कहा रोशनी हो। अब वो खुदा ने ये संसार को बनाया, इसका सबूत साइंस हमको अच्छे से देता है। अगर कोई स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी को पता है? कोई है यहाँ पर साइंस? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब, साधारण रूप पर अगर आपको समझाऊं सबके लिए, ये दुनिया का सृष्टि खुदा ने किया, इसका सबूत है हमारे पास। साइंस इसके खिलाफ नहीं है। बंदर से आया हुआ इंसान, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। जब खुदा है, एक सेवक ने यह बात को कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चमत्कार ये है सृष्टि। जब इतनी बड़ी सृष्टि जैसी चमत्कार हो सकती है, तो एक कुंवारी के पेट से एक बच्चा जन्मने का चमत्कार तो इतना सा हो गया खुदा के लिए। हालेलुया। तो सुपर नेचुरल लॉ का मतलब होता है वो कानून जो कुदरत के अधीन नहीं है। जब हम लोग बच्चा होने के बारे में बात करते हैं, आप और मैं इस कुदरती कानून के अधीन है, लेकिन खुदा कुदरती कानून के अधीन नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं सबत का परमेश्वर हूं। सबत का परमेश्वर का मतलब क्या मालूम है? जब यीशु मसीह सबत को चमत्कार कर रहे, कार्य कर रहे, उन्होंने कहा सबत को तुम मानते नहीं हो। यीशु मसीह बोलते सबत को मैंने बनाया, मतलब मैं सबत के ऊपर हूं। मतलब सबत दुनिया के लोगों के लिए बनाया गया है, वो दुनिया के लोग जो दुनिया के कानून के अधीन है, सबत उनके ऊपर है। मैं उस दुनिया के कानून में नहीं हूं, दुनिया के कानून के ऊपर हूं, तो सबत मेरे नीचे है, मैं सबत के ऊपर हूं। तो खुदा कुदरती कानून के ऊपर है। मतलब जब पुलिस वाला ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा रहता है, लाल बत्ती रहेगी, कभी कभी वैसा करते ना, जाओ, है ना, लाल बत्ती के टाइम पे भी जाने के लिए बोलता है, लाल बत्ती में हमको रुकना होता है। लेकिन जब वो लाल बत्ती में भी जाने के लिए कहता है, तो उसका मतलब उस सिग्नल के भी ऊपर उसका अधिकार है। वैसे ही ये सृष्टि के ऊपर खुदा का अधिकार है। जब सृष्टि एक बड़ा चमत्कार है, तो खुदा को ये आसान है एक कुंवारी के पेट से एक बच्चा को जन्मे। सो मिरेकल पॉसिबल है। अगर मिरेकल पॉसिबल है तो वर्जिन बर्थ पॉसिबल है, और वर्जिन बर्थ ही चाहिए, कुंवारी का जन्मा हुआ बेटा ही चाहिए। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है आदम से जितने भी लोग जन्म रहे हैं वो सभी पापी जन्म रहे हैं। एक पापी दूसरे पापी को आजादी नहीं दे सकता है। तो एक निर्दोष
अनब्लेमिश ऐसे एक मेमने की जरूरत है और वैसा कोई चाहिए तो खुदा को इस मिरेकल के तरीके से ही आना पड़ेगा। इसलिए कुंवारी के द्वारा जन्मना अनसाइंटिफिक नहीं है। मिरेकल और साइंस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। जब कोई कहता है कि मिरेकल और साइंस एक दूसरे के विरुद्ध है, या तो उसको साइंस का अंदाजा नहीं है या तो मिरेकल का अंदाजा नहीं है, या दोनों का अंदाजा नहीं है।